हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडियो में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, बिकॉज आज हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के सरबते मोहब्बत चाचा के पास। इनका नाम है मोहम्मद शहजाद। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि भाई जो इतना फेमस जो सरबते मोहब्बत है उसका क्या कारण है, इसका नाम सरबते मोहब्बत क्यों रखा है, वो भी हम इनसे जानेंगे। और सबसे पहले अब इनका प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या है इनका प्रोसेस। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर इसको सरबते मोहब्बत क्यों कहा जाता है? एक्चुअली इसको सरबते मोहब्बत क्यों कहा जाता है कि जैसा ये इसका नाम है, एक्चुअली ये चीज़ भी ऐसी है, बिकॉज कपल, ये स्पेशली फॉर कपल है, सबके लिए है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं, कपल्स आते हैं, थोड़ी उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो इसके माध्यम से दूर होती है। बिल्कुल। तो हमें इसका प्रोसेस बताइए आप, किस क्या क्या मतलब इसके अंदर डालते हैं, और वो मोहब्बत भी बताना जो आप इसमें डालते हैं। तो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। जी। तो सबसे पहले इन्होंने अमूल का, सबसे पहले हम डालते हैं इसके अंदर अमूल सर। ठीक है, ये अमूल गोल्ड। तो इन्होंने सबसे पहले 1 लीटर अमूल का दूध डाला है ना, देन रोब्जा, उसके बाद इन्होंने ये रोब्जा डाल रहे हैं। भाई साहब देखो कितना मतलब रेड हो गया, मजा आ गया भाई। देन चाशनी शुगर सिरप, ये चाशनी सिरप है भाई। एंड देन लास्ट वाटर मिलन, उसके बाद इसके अंदर डलता है वाटर मिलन। भाई इनका तरीका देखो भाई, मजा आ गया भाई, क्या तरीका है यार, अल्टीमेट भाई, मजा आ गया भाई। अगर भाई आप जामा मस्जिद आ रहे हो तो भाई सरबत मोहब्बत जरूर पी कर जाना, क्योंकि इसके अंदर कुछ मोहब्बत मिली हुई है चाचा जी की। ये मैं आपको बता दूं, ये जो कुरैशी कबाब है बिल्कुल जस्ट इनके सामने, ये इनका सरबत मोहब्बत है जो कि काफ़ी लोग काफ़ी पीते हैं, बहुत मज़ा आता है लोगों को। तो आप देख सकते हैं भाई, इन्होंने इसमें वाटर मिलन मिला दिया। सबसे पहले इन्होंने इसमें अमूल का दूध मिलाया था, उसके बाद इसके अंदर रोफ़ा, फिर चाशनी, और उसके बाद इन्होंने इसके अंदर मिलाया था वाटर मिलन। तो आप देख सकते हैं भाई, ये बिल्कुल पीने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो सबसे पहले पाजी को पिलाइए, उसके बाद हम देखते हैं, और हम पाजी से रिव्यू भी लेते हैं इसका। पाजी कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया ना? बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ गया भाई। अभी अभी और भी देख लेते हैं भाई, और एक दो बंदों से रिव्यू ले लेते हैं, और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा भाई, मतलब कि मैंने अब की इस साल में पहली बार पिया है, इससे पहले मैंने बॉम्बे पिया था, वहाँ का भी बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे उसे बहुत अच्छा लगा है मुझे वाकई में। और मैंने अभी खाना खाया था, और खाना खाने के बाद इतना प्यारा लगा, मुंह में मिठास आ गई, और इतना प्यारा अच्छा लगा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पे जामजी शिफ्ट हो जाऊँ, रोज़ पीने के लिए आऊँ। तो अभी चलो और भी लोगों से हम जान लेते हैं कि भाई क्या मतलब टेस्ट कैसा है इसका, जैसा सरबत मोहब्बत की इतनी तारीफ होती है, तो और लोगों से भी जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सरबत मोहब्बत, इन्होंने जैसा बता ही दिया कि भाई इसके अंदर ये बहुत मोहब्बत मिलाते हैं, और बाकी और लोग यहाँ पर हैं, उन लोगों से भी हम बात ही कर लेते हैं कि भाई इनको सरबत मोहब्बत कैसा लगा। जो कुरैशी कबाब है उसके बिल्कुल अपोजिट इनका सरबत मोहब्बत है भाई, एक बार ज़रूर ट्राई करना भाई, मैं तो आपको यही कहूँगा। और मैं भी चाचा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुझे भी पिलाएं एक ग्लास, और फिर मैं भी देखता हूँ कि भाई, क्योंकि सब लोगों से तो हमने रिव्यू ले लिया, अब एक बार मैं भी पी करके देख लेता हूँ कि भाई कैसा सरबत मोहब्बत बना है, कितनी मोहब्बत इसके अंदर डली है। तो आइए हम कुछ लोगों से और भी बात कर लेते हैं। सर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना, लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं इसकी, बढ़िया है, बढ़िया तारीफ लायक है ना, बहुत बढ़िया। तो आप और लोगों को क्या कहोगे कि आना चाहिए ना पीने के लिए? मस्ट ट्राई, थैंक यू। सर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हां बढ़िया। कहां से हैं सर आप? हम फतेहनगर। अच्छा, फतेहनगर दिल्ली। तो आप स्पेशली पीने के लिए आए? अरे वाह भाई, मजा आ गया, स्पेशली सरबत मोहब्बत पीने के लिए यहाँ पर आए थे। अभी एक बार मैं भी पी करके देख लेता हूँ। वाह, जो इनका अंदाज है भाई, दोनों हाथ लगा करके, वो बहुत अच्छा लगता है भाई ये सब चीज़ें। भाई मज़ा आ गया, वो अल्टीमेट है यार। मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर आप दिल्ली में आ रहे हो, पुरानी दिल्ली में आ रहे हो खासकर, तो भाई एक बार सरबत मोहब्बत ज़रूर ट्राई कर लेना, और आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी लोग सरबत मोहब्बत पी रहे हैं, हम और भी लोगों से अभी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, और भी लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई उनको कैसा लगा। यहाँ पर एक हमारे शख्स, भाई क्या नाम है आपका? अनस। भाई अनस कैसा लगा आपको सरबत? भाई साहब बढ़िया है, तभी तो पीना रहे हैं। इन लोगों के लिए तारीफ के कोई शब्द ही नहीं है। क्या बात, थैंक यू। जी सर कैसा लगा आपको? क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश कैसा लगा भाई? लाजवाब है ना, मतलब लोगों पीने पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए, एक बार जामा मस्जिद आए तो जरूर। मोहब्बत तो बढ़ जाती है भाई, मोहब्बत तो बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर काफ़ी मतलब काफ़ी लोग सरबत मोहब्बत को पसंद करते हैं, और मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप जामा मस्जिद आ रहे हो तो भाई कुरैशी कबाब के सामने इनका ये स्टॉल है सरबत मोहब्बत के नाम से, आप देख सकते हैं, और ये ज़रूर पीना है आपको। आप लोग यहाँ पर आइए, एक बार हमको खिदमत का मौका दिए, इंशाल्लाह आपको बहुत
बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, प्यार मिलेगा और हमको खिदमत का मौका देंगे, तो बार बार इंशाल्लाह एक बार आएंगे तो बार बार आप यहाँ पर ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह उमरान। तो गाइस भाई शरबत पी करके मज़ा आया, बाकी लोगों से जो मैंने बात करी है उसमें भी मज़ा आया, काफ़ी लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे पीने में, और मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप भी यहाँ पर आओ, और कुरैशी कबाब के सामने बिल्कुल शरबत मोहब्बत है, आपको एक बार खिदमत का मौका मतलब आपको आना चाहिए यहाँ पर और शरबत पीना चाहिए। भाई मैंने पिया, मुझे बहुत मज़ा आया है। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर लेकर आऊँगा एक नई डिश और एक नई लोकेशन के साथ। थैंक यू।